नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। दोस्तों, जहां बात होती है इंडिया के सबसे मशहूर व्लॉगर्स की, वहां UK07 राइडर का नाम तो जरूर आता है। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि ये जहां भी जाते हैं वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। UK07 राइडर जब भी यूट्यूब पर एक नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के कुछ टाइम बाद ही उस वीडियो पर मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, और यही चीज इनको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि UK07 राइडर कैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, इनकी इनकम और नेटवर्थ कितनी है, इनका बाइक और कार कलेक्शन कितना बड़ा है, और इनसे जुड़े कई सारे सवालों का जवाब आपको आगे चलकर वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका जो रियल नेम है वो है अनुराग डोभाल। इनका बॉर्न 18 सितंबर 1997 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ, और 2023 के हिसाब से इनकी एज है 26 इयर्स, और ये प्रोफेशन से एक कंटेंट क्रिएटर, राइडर और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और अगर बात करी जाए इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग द एशियन स्कूल देहरादून से की है, और इन्होंने अपनी कॉलेज हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी देहरादून से की है, और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ साइंस। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुराग के करियर के बारे में। अनुराग जब 4 साल के थे तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से इनके बॉडी में वीकनेस रहती थी और ये अच्छी तरीके से चल भी नहीं पाते थे। उस टाइम पर अनुराग के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके पिताजी एक सरकारी स्कूल में मैथ्स के टीचर थे और उनके एक महीने की सैलरी सिर्फ 1200 रुपए होती थी। इतने कम पैसों में अनुराग के पिताजी को पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता था और अनुराग की मेडिसिन भी लानी पड़ती थी। उस टाइम पर अनुराग की मदर ने अपनी ज्वेलरी भी बेची थी ताकि वो इनके मेडिसिन का खर्चा उठा पाए। 4 से 14 साल की उम्र तक अनुराग ने प्रॉपर मेडिसिन ली और ये ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी से बाहर निकल आए। अनुराग का भी सपना यही था कि वो भी अपने पिताजी की तरह एक टीचर बने। 2014 में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 2015 में अपनी कॉलेज के साथ साथ इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ट्यूशन पढ़ाने के पीछे इनका एक और मकसद था, और वो था KTM बाइक को लेना। अनुराग चाहते थे कि वो अपनी KTM बाइक खरीदे और कॉलेज में उसे ले जाकर अपना इम्प्रेशन जमाए, पर घर की कंडीशन ठीक ना होने के कारण अनुराग को ये बात पता थी कि वो KTM बाइक को खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि बाइक लेने के लिए वो पैसे जमा कर पाए। अनुराग एक स्टूडेंट से 300 रुपए तक फीस चार्ज करते थे और इनके पास 10 से 12 स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, जिनसे इनके एक महीने की कमाई 3000 रुपए तक हो जाती थी। और जब ये अपनी मेहनत की कमाई अपने पेरेंट्स को देते थे तो इनके पेरेंट्स इन पे काफी ज्यादा प्राउड फील करते थे। धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगी थी, क्योंकि एक तरफ अनुराग कमाने लगे थे और दूसरी तरफ इनके मेडिसिन के खर्चे बंद हो गए थे। और फिर 2018 में अनुराग को यूट्यूब के बारे में पता चलता है। अनुराग ने जो पैसे जमा किए थे उससे वो KTM बाइक खरीद लेते हैं और फिर अपना एक UK07 राइडर नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। उस पर ये मोटो ब्लॉग्स स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते इनके वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियोस पर बहुत ज्यादा व्यूज आने के बाद अनुराग को पता चलता है कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अनुराग ने बिना रुके यूट्यूब पर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और 2021 में अपने यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए। इसी साल अनुराग कई कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंसे, जहाँ इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके दुश्मनों के साथ मिलकर इनको फंसा दिया। इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच अनुराग के सपोर्ट में कई बड़े यूट्यूबर्स भी आए। यूट्यूबर्स के साथ साथ अनुराग के सब्सक्राइबर्स ने भी उनको काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और इन्होंने यूट्यूब पर वापस वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के खत्म होने के बाद UK07 राइडर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने अपने चैनल पर डेली व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाते हैं। आज UK07 राइडर इतने फेमस हो चुके हैं कि ये जहां भी अपना मीटअप रखते हैं वहां पर इतना ज्यादा क्राउड आ जाता है कि वो क्राउड पुलिस से भी कंट्रोल नहीं होता। आइए दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं अनुराग डोभाल की फैमिली से। इनके फादर का नाम है जगदम्बा प्रसाद डोभाल, इनकी मदर का नाम है मनीषा डोभाल, और इनके भाई का नाम है अतुल डोभाल, जिनको लोग कलम इंक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं UK07 राइडर का करोड़ों का बाइक और कार कलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इनके बाइक कलेक्शन के बारे में। तो इनकी जो फर्स्ट बाइक है उसका नाम है KTM RC 200, जिसकी प्राइस है 2.14 लाख रुपीज। इनकी जो सेकंड बाइक है उसका नाम है बजाज एवेंजर, जिसकी प्राइस है 1.12 लाख रुपीज। इनकी जो थर्ड बाइक है उसका नाम है BMW GS 310, जिसकी प्राइस है 3.2 लाख रुपीज। इनकी जो फोर्थ बाइक है उसका नाम है ZX10R, जिसकी प्राइस है 16 लाख रुपीज। इनकी जो फिफ्थ बाइक है उसका नाम है सुजुकी हायाबुसा, जिसकी प्राइस है 15 लाख रुपीज। इनकी जो सिक्स्थ बाइक है उसका नाम है BMW GSA 1250, जिसकी प्राइस है 22 लाख रुपए। इनकी जो सेवेंथ बाइक है उसका नाम है निंजा H2, जिसकी प्राइस है 55 लाख रुपीज। इनकी जो एट्थ बाइक है उसका नाम है BMW S1000 RR, जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपीज।
तो आइए अब आपको दिखाते हैं अनुराग का कार कलेक्शन। इनकी जो पहली कार है उसका नाम है महिंद्रा थार, जिसकी प्राइस है 15 लाख रुपए। इनकी जो दूसरी कार है उसका नाम है किया सोनेट, जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। इनकी जो तीसरी कार है उसका नाम है मस्टैंग जीटी, जिसकी प्राइस है 74 लाख रुपीज। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं UK07 राइडर के इनकम के बारे में। अनुराग एक महीने का 18 से 20 लाख रुपए तक कमाते हैं और इनकी ईयरली इनकम 2.5 करोड़ रुपए है। और अगर बात करी जाए इनके नेटवर्थ की तो इनका टोटल नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था UK07 राइडर का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।